तेज बारिश के बाद साफ सफाई व्यवस्था नहीं होने से हर जगह गंदगी का आलम है। डिंडौरी में ये गंदगी नर्मदा नदी में फेंकी जा रही है। इससे लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। डिंडौरी नगर परिषद के राज्य में जगह जगह बेहिसाब गंदगी है। पहले जोगी टिकरिया गांव में गंदगी स्टोर की जा रही थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया, तो अब गंदगी देवरा में गांव के बीचों बीच नदी में फेंकी जा रही है। गंदगी सीधा मां नर्मदा में जाकर मिल रही है, जिसके कारण लोगों को साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द साफ करके कचरे को चिन्हित जगह ले जाकर ध्वस्त करने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। नगर पालिका के द्वारा जो यहाँ गंदगी ला के फेंकी जा रही है, तो उससे क्या है कि हमारे गांव के लोग जो सभी लोग हैं मेरे पास आए हैं और हम सब मिलके इसका खुला विरोध कर रहे हैं। बिचारपुर तनगट्टा में भी फेंके हैं और एक नदिया ग्राम पंचायत देवरा के जो नदिया है वहीं एक दो ट्राली फेंके हैं। हम इसका गांव के विरोध से है तो हम सभी लोग जो है ना, क्योंकि ये नदी के किनारे बिल्कुल ले जाके कचरा फेंक रहे हैं। अभी जानकारी मिली और हम देख भी के आए हैं, बहुत ज़्यादा फेंक रहे हैं नदी के किनारे, और नदी से जो है पूरा नर्मदा जी तक जा रहा है बहके, जिससे जो है पूरी प्रदूषित हो रहा है और इधर पे आजू बाजू के जो है जानवर खा रहे हैं, उससे जो है मौत भी हो रही है, 3-4 गायों की मौत भी हो गई है। बहुत ज़्यादा आक्रोश है ग्राम पंचायत देवरा में, तो हम यही चाह रहे हैं कि उस पर जल्द से जल्द जो है संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं तो इसका आने वाले अभी कल ही से हम लोग जो है इसका धरना प्रदर्शन करना चालू कर देंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।